ऑड कॉम्बिनेशन है। पहले बी टेक वालों को बी एड के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, कारण ये था कि इसमें स्कूल सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते। बी ई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बी टेक ग्रेजुएशन शैल ऑप्ट एनी टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आउट ऑफ पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस साइंस एंड लैंग्वेज। आप इनमें से फॉर एग्जांपल मैथ्स कंप्यूटर साइंस मैथ्स साइंस ऐसे सब्जेक्ट लेते हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। कारण ये है कि आपने 3 साल ना तो मेरे ख्याल में मैथ पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो फ़ायदा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब निकलती है वो कहते हैं 3 साल इलेक्टिव मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। 3 साल अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो तो 3 साल कंप्यूटर साइंस इंडिपेंडेंट इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ी होनी चाहिए। साइंस में जाते हो तो मिनिमम आपको 2 सब्जेक्ट बायो केमिस्ट्री और आपका तीसरा है फिजिकल साइंस, है ना, इनमें से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए होने चाहिए 3 साल, 2 सब्जेक्ट 3 साल इन ग्रेजुएशन अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हो। इट मींस साइंस लेना तो अगर आपने पढ़े हैं तो देन ओके। मेरे ख्याल में अगर आप डीएमसी भेजो तो मैं देख के बता सकता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी का, है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी डिग्री भी वेरी कर सकती है। तो साइंस में आपका जाना बनता नहीं है, आपका एक ही बेनिफिट बन रहा है लैंग्वेज में मैक्सिमम, क्योंकि आप अगर ये तीन सब्जेक्ट तीन साल नहीं पढ़े तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तो एलिजिबल हुए नहीं। आपको करना क्या फिर चाहिए कि आपको जैसे कॉमर्स वालों के लिए सजेशन रहा है वैसे ही आपके लिए है कि आप लैंग्वेज को जरूर साथ में चूज करें। फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश जहाँ पंजाबी जहाँ हिंदी कोई भी आपने 1 साल पढ़ा है वो चूज़ कर लिया, इंग्लिश मान लीजिए चूज़ किया, तो इजी है। आप साथ में बीटेक करके जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, अगर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी करवाती है तो बीए का एडिशनल सब्जेक्ट बीएड के साथ ही बाद में भी कर सकते हैं। बीएड के बाद भी एडिशनल सब्जेक्ट इसका बीए का कर सकते हैं इंग्लिश का, लेकिन बीएड के साथ कर लोगे तो आप इंग्लिश के लिए बीएड करने के बाद एलिजिबल हो जाओगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आपको बीए लैंग्वेज इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि लैंग्वेज का एडिशनल पेपर होता है ये आपके अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बनते हैं। मैथ्स का हो सकता है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, साइंस का नहीं हो सकता ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर कहती है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कॉलेज के थ्रू किया जा सकता है, लेकिन ये मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के कारण इनमें डिफ़िकल्टीज हैं। अगर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है इनके एडिशनल दिए जा सकते हैं देन आपको फ़ायदा है। तो इंग्लिश का जब पंजाबी आप ले लोगे तो इजी है कि साथ में ही दिए जाते हैं, और 100% है कि हर लैंग्वेज का एडिशनल सब्जेक्ट हर यूनिवर्सिटी करवाती है, दैट इज़ वाई लैंग्वेज चूज़ करना बेटर है। अगर आप मैथ का थोड़ा लंबा सांस ले सकते हो, जैसे 9 पेपर होते हैं कई यूनिवर्सिटियों में, 6 पेपर होते हैं 3 साल के, तो मैथ के इतने पेपर देना डिफ़िकल्ट होता है। दूसरा एडिशनल पेपर में ये भी होता है कि रीअपियर नहीं आती, आप पास या फेल ही होते हो, आप एक पेपर भी मिस कर देते हो तो नॉर्मली ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का रूल बता रहा हूँ तो आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। दैट इज़ वाई ईजी इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बहुत कम लोग हैं जो एडिशनल मैथमेटिक्स का करते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस का इजीली आप कर सकते हो इसका फिल कर दीजिए। अब जिसका आप एडिशनल पेपर फिल कर सकते हो, नेचुरली साइंस बहुत डिफ़िकल्ट होगा, 2 साइंसेज करनी पड़ेगी और प्रैक्टिकल है, आपको चूज़ करना चाहिए फिर बी टेक या बी ई वालों को मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, जहाँ चूज़ करना चाहिए कंप्यूटर एंड लैंग्वेज। कंप्यूटर की पोस्ट कम निकलती हैं लेकिन मेरे ख्याल में मैथ से इजी होगा, टीजीटी के लिए एलिजिबल हो रहे हो तो आप ये खुद डिसाइड करना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसकी करना चाहते हो इसमें से, मैथ्स की कंप्यूटर की या एमए इंग्लिश या पंजाबी, तो वो तो लोगे ही, आप लैंग्वेज तो ले ही ले रहे हो मेरे सुजेशन के मुताबिक। तो आप इन तीन, ये तीन आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। फर्स्ट है मैथ्स एंड इंग्लिश जहाँ मैथ्स एंड पंजाबी, दूसरा है कंप्यूटर साइंस इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस पंजाबी, लास्ट में आप साइंस को रखिए। ये है बीटेक के लिए, बीई के लिए। कोई भी आपने क्वेश्चन फर्दर पूछना है तो आप एडिशनल पेपर के लिए डिफरेंट से वीडियो हैं वो सर्च कर सकते हैं, लर्न टू एक्चुलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह के साथ नाम से। आप जो है इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन इसी वीडियो के नीचे पूछें, मुझे
क्वेश्चन के आंसर देने में आसानी रहती है, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन को क्लब किया जा सकता है। थैंक यू।